Assalamualaikum, नमस्ते, सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी डिफेंस डिटेक्टिव की, वीडियो आलोक सर की वीडियो है और आज जनरल बाजवा के साथ बदतमीजी की गई है फ्रांस में और एक पठान ने की है। चलिए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत ही भूलिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अफगानिस्तान ने जहाद करेगी यार, मैं नहीं हो यार, हो गई आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस तो बुलाओ, बुलाओ पुलिस को, पुलिस को बुलाओ। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो वीडियो क्लिप जो मैंने आपको दिखाई उससे आपको बहुत कुछ अंदाजा मिल गया होगा कि आज मैं इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाला हूं। तो जो दर्शक मेरे नहीं समझ पाए, क्योंकि अमूमन ये जो साहब वीडियो में दिख रहे हैं इनको आपने वर्दी में देखा होगा, सेना की वर्दी में, पाकिस्तानी सेना की वर्दी में। पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। तो ये जो तस्वीर में आपको दिख रहा है ना, ये कमर जावेद बाजवा ही है, पाकिस्तानी आर्मी के फॉर्मर चीफ जो अभी हाल ही में एकाद एक्सटेंशन के बाद रिटायर हुए हैं किसी तरह से। तो आपने ये तो समझ लिया कि ये कहीं बाहर के देश में बैठे हुए हैं। जो इनके साथ मोहतरमा है वो इनकी पत्नी है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जनरल बाजवा और उनकी पत्नी इस वक्त फ्रांस में हैं, छुट्टियां मना रहे हैं अपनी। इधर पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान में उठापटक मची हुई है, पाकिस्तान में बवाल हुआ पड़ा है, पाकिस्तान के लोग महंगाई से मर रहे हैं, 250-250 रुपए किलो प्याज खा रहे हैं, 300 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं, डॉलर 300 के ऊपर पहुंच चुका है। और कुछ ही महीनों पहले रिटायर हुए जनरल बाजवा अपने परिवार के साथ फ्रांस में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं जी। अब छुट्टियां एंजॉय करते हुए ये बैठे हुए थे एक जगह सीढ़ी पर फ्रांस में। अब कौन सा शहर है ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है कि पेरिस ही होगा। पेरिस की गलियों में घूम रहे होंगे, क्योंकि पेरिस नॉर्मल लोग पेरिस ही जाते हैं क्योंकि वही सबसे खूबसूरत शहर है फ्रांस का। तो ये घूम रहे हैं वहां पर, जाकर ये सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, तभी एक शख्स आता है, वीडियो बनाने लगता है और उनसे ऐसी बातें करता है और इतनी गालियां देता है, ऐसी गालियां देता है जो मैं गालियां आपको सुनवा नहीं सकता। तो जो आपको बीप नजर आए, बीप सुनाई दे, नजर आए कह रहा हूं, बीप सुनाई दे, तो समझ लिए कि जनरल बाजवा को उतनी उनकी पत्नी के सामने गालियां दी जा रही। सुनिए। तुम अफगानिस्तान ने जहाद करेगी यार, मैं नहीं हूं यार, आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बुलाता हूं। पुलिस तो बुलाओ, बुलाओ पुलिस को, पुलिस को बुलाओ। पाकिस्तान दे पौज मशर कुनी बाजवा टूल मरे कोना वर्क वाला वजल तरगला दा पारो पाके कोना वर्क ई पसपी ने गिरा दे वर सारा नास जदा दे खजदा कलीसा तना नोत कलीसा ने दिमाग पे ख्याल लोर ने दिमाग पे ख्याल कलीसा तना नोत कलीसा ने रावत वसी कलीसा पखलो के नास्ता दल ते मिशा दा पुलिस करा पुलिस ने मा पद्दे पने शुरू कोड दुमरा दुमरा बे मेटा बोले वाला कखार दुमरा बे मेटा बोले वो दल ते मिशा दा पुलिस थी असल बे कल दे दा अफगानिस्तान के ने दा अफगानिस्तान के दिन दा जहाद रवा दा जहाद रवा दा خپل لوري سیدا سرتور سر ګرځي پنیکر کې ګرځي دلته سی لوري تاسو لیدل دلته لوري مر سره وزوی مر سره وو دا زوی تاسو لیدل لوري تاسو لیدل لوري تاسو لیدل چې په نیکر کې ګرځي ته سرتور سر دې راځي دې نن په افغانستان کې جهاد پټوي ورکه جهاد روا ده په افغانستان کې। अब यहां पर मैं वीडियो को रोकूंगा, अभी आगे थोड़ी थोड़ी बातें भी तो बतानी है यार। अब सारा वीडियो भी दिखाऊंगा और बातें भी बताऊंगा। तो हुआ ये कि ये जो बंदा गालियां दे रहा है, शुरू में तो वो अफगानी मतलब उर्दू में बोलता है लेकिन है ये अफगानिस्तान का,
अब आप इसे समझ जाइए कि अफगानिस्तान के लोगों में पाकिस्तानी आर्मी के लिए कितनी नफरत है, कितनी चढ़ है। इस अफगानी को जनरल बाजवा दिख गए, ये जनरल बाजवा को पहचानता है, चेहरा देखा होगा भाई, जाहिर सी बात है कि जुल्म करने वाले का चेहरा लोगों को याद रहता है ज्यादा, तो इस अफगानी को यह चेहरा याद था। अब इसने यहां पर गालियां देनी शुरू की। अब आपने सुना होगा कि जनरल बाजवा कहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाता हूं, तो ये अफगानी कहता है कि तो बुलाओ पुलिस को, बुलाओ पुलिस को। मतलब उन्होंने धमकाने की कोशिश की, जैसे सेना में थे वो तो लोगों को धमकाते भी होंगे ना, अफगानिस्तान के लोगों को धमकाते भी होंगे वहां पे जाते होंगे, तो इन्होंने यहां धमकाने की कोशिश की। तो अफगानी ने बोला कि बुलाओ पुलिस को, बुलाओ। फिर बाद में बेचारे जनरल बाजवा के चेहरे पर अब देखिए हंसी तो है, लेकिन अब सोचिए अपमान का घूंट पी रहे हैं, वो अपमान का घूंट पी रहे हैं। इधर उधर देखने लगते हैं, पत्नी इधर उधर कुछ कुछ दिखाने लगती हैं, पत्नी भी शर्मिंदा है कि ओहो मेरे पति को गालियां पड़ रही हैं, सरे बाजार गालियां पड़ रही हैं, इतने लोगों के सामने गालियां पड़ रही हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, अच्छा वीडियो बन रहा है। अब जनरल बाजवा की धमकी का असर तो हुआ नहीं, उसने बोला कि वीडियो तो बनाऊंगा मैं, और जनरल बाजवा को उसने फिर अफगानी भाषा में उसने गालियां निकालनी शुरू की और बोलना शुरू किया। अच्छा आप देखिए कितनी कितनी अजीब बात है, जनरल बाजवा को पाकिस्तान में भी गालियां मिल रही हैं। इमरान खान गालियां दे रहे हैं, नवाज शरीफ गालियां दे रहे थे, वहां के लोग अब गालियां देने लगे हैं जनरल बाजवा को, और ये बात किसी से छुपी नहीं है ना, ये सारे जानते हैं। अब बेचारे बाजवा को विदेश में भी गालियां पड़ रही हैं। सोचिए कैसा देश है पाकिस्तान, उसका आर्मी चीफ, सोचिए कितना बड़ा ओहदा है, कितनी रिस्पेक्टफुल चीज है आर्मी में चीफ बनना, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी का चीफ बनना, आप सोच लीजिए, पाकिस्तान के अंदर भी गालियां पड़ रही हैं और पाकिस्तान के बाहर भी बेचारे को गालियां पड़ रही हैं, तो जाहिर है जब कर्म ऐसे होंगे तो गालियां पड़ेंगी। और अब यह वायरल हो रहा है वीडियो ना जबरदस्त तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से, बेचारी उनकी पत्नी शर्मिंदा है, इतनी बुरी बुरी गालियां जो नॉर्मली आदमी बोलता भी नहीं है, लेकिन अब क्या करे आदमी उस अफगानी शख्स के मतलब क्या कहूं मैं, उस नफरत को आप समझिए, उस बौखलाहट को समझिए, उस बौखलाहट यानी कि बाजवा को देखकर ये वही बाजवा है जिसकी वजह से अफगानिस्तान में ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, और भयंकर गालियां दे रहा है, फिर वो अफगानी भाषा में गालियां देने लगता है। तो बीच में जो एकाध दो शब्द जो मुझे समझ में आए, उसमें एक जगह वो कहता है खूनी बाजवा, खूनी बाजवा, और एक जगह वो कहता है जिहाद, जिहाद का नाम लेता है, तो वो शायद पूछ रहा है कि जी तुमने अफगानिस्तान में जिहाद करवाया और ये करवाया और वो करवाया। अब आप सोचिए, चलिए आगे का हिस्सा भी दिखा देता हूं, भले अफगानी समझ में नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान के कुछ तो लोग होंगे जिनको अफगानी समझ में आती होगी, तो उनके लिए भाई सुनिए और समझिए और देखिए क्या कहा जा रहा है, सुनिए। इस तरफ देखो गंडू मोरदगा, देखो गोरा, देखो गोरा, वाई वाई सदा दा पुलिस जलता वसने में मा पता बा ने न द शुरू कवला दस से बमिस लदर बांध यखड़ा वसे था मिली व्यापारी सरा चिशे उ किता सरा وصل دو گور غگی گم خزی ورتوی ونه غگی گوا ویډو در نکی غل وس ناستا دی خو تا وګره خر پس مرده گاوا دی خو تا وګره تا په خزه ده تمام دنیا واچوم تا در سر ناستا سیدا دیر ازی په افغانستان کې جهاد کوي अखबल अल तलगे था पस्पी ने गिरा कौन। अब आप सोचिए ये कितनी, अब ये वायरल वीडियो दुनिया के हर कोने में जाने वाला है, और आप लोग इसको शेयर करिए, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि पाकिस्तानियों के जो 24-25 करोड़ पाकिस्तानी है ना, बच्चे बच्चे के मोबाइल में ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उसको पता चलना चाहिए कि उसके देखो आर्मी चीफ की इज्जत, पाकिस्तानी आर्मी जिसका आप नाम लेते हैं कहते हैं कि नंबर वन है, नंबर वन फौज है हमारी, ये फौज है, अजीम फौज है और वो फौज है, उसका जनरल आर्मी चीफ, उसकी औकात क्या है बाहर। एक अफगानी ने जनरल बाजवा को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, जनरल बाजवा सरेंडर कर गए उस अफगानी आदमी के आगे, उनकी जबान बंद हो गई जब उसने बोलना शुरू किया, खिसियाहट उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, साफ दिख रही है खिसियाहट। और जहां तक मुझे लग रहा है कि जो वो अफगानी बंदा है, जितना मैं समझ पाया हूं, उसने अफगानिस्तान में जिहाद के लिए जनरल बाजवा को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि जनरल बाजवा के टाइम पर ही तालिबान का राज आया ना अफगानिस्तान पर, जनरल बाजवा के टाइम पर ही, तो भूलना नहीं चाहिए।
और वो बता रहा है शायद कि आपने इतने लोगों को मरवाया वहां पे, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन करवाई आपने, इसीलिए उसको बाजवा को उसने खूनी बाजवा कहा। और उसके बाद बाजवा जी बेचारे अब क्या करें, बैठे हुए हैं, अब समझ में नहीं आ रहा। इसी बीच जो उनकी पत्नी है वो आंखों से कुछ हो ना जाए तो वो चश्मा निकाल लेती हैं, ढूंढती हैं अपने पर्स से चश्मा निकालती हैं, खुद भी चश्मा पहन लेती हैं। बाजवा अपना इधर उधर देख रहे हैं, पत्नी इधर उधर दिखा रही है, ध्यान भटका रही है, लेकिन अफगानी रुका नहीं है, वो सुना रहा है खरी खोटी जनरल बाजवा को। और जाहिर सी बात है कि भाई एक जो अफगानिस्तान पहले था, अब तालिबान के आने के बाद मैं कभी तालिबान के सपोर्ट में नहीं रहा, वहां पर बच्चियों की पढ़ाई पर रोक लगा दी है, महिलाओं के काम करने पर रोक लगा दी है, इतने तरीके की उस वहां पर जुल्म हो रहा है महिलाओं पर, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। और जाहिर सी बात है कि एक आम अफगानी जो अपने बच्चों को आगे बढ़ना देखना चाहता है, जो अपनी बहनों को आगे बढ़ना देखना चाहता है, वो इस तरह की चीज स्वीकार नहीं करेगा। और वो पूरी खीज जो है वो निकल रही है जनरल बाजवा पर, क्योंकि इनकी वजह से ही हुई। और इसके बाद पति पत्नी जनरल बाजवा और पत्नी उठ के जाने लगते हैं, लेकिन अफगानी फिर भी पीछा लगा रहता है और वो जाता है। देखिए देखा आपने, तो ये जो पूरा वीडियो था 2.25 मिनट का वीडियो, ये बड़ा वायरल हो रहा है। और इसमें आपने देखा कि बाजवा की एक तरह से बैंड बजा दी गई, एकदम, और ऐसी बजाई गई है बाजवा की, ये जिस तरह जनरल नियाजी का सरेंडर दुनिया याद रखेगी, 93,000 याद रखी है दुनिया ने, सबको पता है, और ये आने वाली कई पुश्तों तक ये चीज सामने दिखती रहेगी कि जनरल नियाजी का सरेंडर हुआ था। अब ये आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी कि एक अफगानी ने जनरल बाजवा का सरेंडर कराया, भागना पड़ा जनरल बाजवा को उसके सामने से, एक अफगानी के सामने से। और उसका गुस्सा देखिए, उसका गुस्सा जो है वो नाजायज नहीं है, जायज गुस्सा है। आप सोचिए कि ब्राउन यूनिवर्सिटी है, उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2001 से लेकर और अब तक करीब करीब 2.5 लाख लोग, अफगानी लोग मारे गए हैं अफगानिस्तान में, 2.5 लाख अफगानी, और उनमें भी 70,000 से ज्यादा लोग सिविलियंस थे, निर्दोष लोग थे। चलिए सेना की लड़ाई है, अलग चीज है, लेकिन वहां पे सिविलियंस मारे गए हैं, आप सोचिए। और जनरल बाजवा का इस तरह से भागना ये बताता है कि वो बेचारे अफगानी की बातों को सह नहीं पाए, उस कड़वी सच्चाई को वो सामना नहीं कर पाए जो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का चीफ रहते हुए किया था, जो काम उन्होंने अफगानिस्तान में किया। और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान में कौन कौन से गुल खिलाए हैं। यह वही पाकिस्तानी आर्मी है जिसने अपने बेसिस दिए अफगानिस्तान पर बम बरसाने के लिए अमेरिका को, डॉलर के लालच में। क्या कोई अफगानिस्तान का बंदा, कोई अफगानी यह भूल सकता है कि जो 70,000 लोग मारे गए उसमें पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ रहा है? क्या वो भूल जाएंगे अपनी बहू बेटियों, अपने भाइयों, अपने पिताओं को मरते हुए जो देखा है बच्चों ने, भूल जाएंगे कि पाकिस्तान की वजह से उस देश में क्या हुआ है? 20 साल तक, जब तक अमेरिका गया नहीं अफगानिस्तान से, तब तक इन्होंने अपने बेसिस दिए हैं, एयर स्पेस दिया, और उसके बदले अरबों डॉलर की कमाई इसी पाकिस्तानी आर्मी ने की है, इसमें जनरल बाजवा भी शामिल है। तो आज आपने देखा कि जनरल बाजवा के साथ क्या हुआ। कहते हैं ना, कर्मा इज अ कर्म, जो करेंगे आप उसका फल मिलेगा। और जनरल बाजवा ने जो किया है, एक अफगानी ने फ्रांस में दिखा दिया कि ये तुमने किया है जनरल बाजवा, तुमने हम अफगानियों के साथ ये किया है। और ये वीडियो अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचानी है भाइयों, ये बात ध्यान रखिए कि वो देखें कि एक उनके अफगानी भाई ने किस तरह विदेश में भी, विदेशी जमीन पर भी, कमर जावेद बाजवा के मुंह पर गालियां सुनाई और उनको बताया है कि तुमने क्या किया है अफगानिस्तान में। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को वायरल किया जाए, इस वीडियो को जगह जगह पहुंचाया जाए और पाकिस्तान में खास तौर से पहुंचाया जाए, जिससे पाकिस्तान के लोगों का एहसास हो कि वो जिस आर्मी के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस आर्मी ने क्या किया है, उस आर्मी की असलियत अब सामने आ रही है। और ये दुनिया ऐसी हो गई है कि लोग अब बख्शेंगे नहीं। जनरल बाजवा को वहां से भागना पड़ा और जनरल बाजवा को जल्दी ही वो शायद शहर छोड़ के भी निकल गए होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अफगानियों ने कहीं उन्हें टपका न डालना है। तो दोस्तों,
इस वीडियो में बस इतना ही कहूंगा। और यही फर्क है हमारी सेना में, हम जब गर्व से नाम लेते हैं तो हमारी सेना इस तरह से नहीं होती चीजें, सोचिए। और मुझे तो जनरल बाजवा पे सोचिए यार, पाकिस्तान में आग लगी हुई है, वहां पे कितनी भयंकर अस्थिरता मची हुई है, और ये भाई साहब अपना मस्त छुट्टियां मना रहे हैं पेरिस में, फ्रांस में। किसके पैसे से मना रहे हैं? वही पाकिस्तानी आम जनता के पैसे से, जो लूटे हुए, जो अफगानिस्तान में लोगों को मरवा कर जो पैसे मिले, डॉलर जेब में मिले, उन पैसों से अय्याशी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जल्दी मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था आज एक सुबह से ही एक वायरल हो रहा है वीडियो, और वीडियो क्या है, हमारे एक्स आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, और उनकी इज्जत अफजाई की गई है एक अफगानी की तरफ से, और बहुत बुरे तरीके से की गई है, और उसने थोड़ा सा भी शर्म लिहाज नहीं किया। और ये एक और चीज़ इस पर हो रही है कि इस वीडियो से पूरा पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो भी खुश हो रहे हैं, और इसको अपनी बेइज्जती महसूस नहीं कर रहे, और वो इस पर खुश हैं कि जो हम नहीं कर सकते, चले वो किसी काम किसी और ने कर दिया। अब देखिए, एक अफगानी है, और अफगानी क्यों इस तरह से चिल्ला रहा है जनरल बाजवा पे, क्योंकि वो अफगानिस्तान के जो हालात हैं उनका जिम्मेदार इन्हीं आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को ही समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा से तालिबान की सपोर्ट की, और तालिबान को आज हुकूमत में वहाँ पहुँचाने वाले भी यही हैं। वो साफ कह रहा है कि हमारे अफगानिस्तान में तुमने जो जहाद है उसको जायज़ किया हुआ है, और अपनी बेटी को यहाँ नंगा निक्कर में घुमा रहे हो, तो ये कैसी मुनाफ़त है, और उस पर बड़ी बुरी बुरी गालियाँ दे रहा है बाजवा को, और उनकी जो वाइफ है वो भी साथ बैठी हैं, और शर्मिंदा होने के बजाय हंस रहे हैं। और देखिए, ये एक आर्मी चीफ एक छोटा अहदा नहीं होता, बहुत बड़ा अहदा होता है, लेकिन ये जो रवैया है, ये जो इस तरह का, कहीं ना कहीं ये आपकी अपनी ही गलतियों का नतीजा है कि आपने जिस तरह से हालात पैदा किए उन लोगों के लिए, क्या उन लोगों में गुस्सा नहीं पाया जाएगा? अब जो बाकी हैं, जो आज के आर्मी चीफ हैं, उन्हें भी थोड़ा समझना चाहिए कि मैं अगर ऐसे काम करूँगा तो कल को ये हालात मेरे साथ भी पेश आ सकते हैं। और दूसरा, वहाँ पर जो फ्रांस में अब एक आर्मी चीफ इस तरह से अय्याशी मार रहा है, तो एक आर्मी चीफ की क्या इतनी वेल्थ हो जाती है कि वो इस तरह से अपनी अय्याशियां मार सके? लेकिन ये है कि तो कहीं ना कहीं लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान आर्मी है, मुल्क का भी आर्मी चीफ है, और जो इल्जाम लगे हैं जनरल बाजवा साहब पे, देखें ये यहाँ पे जब ताकत के नशे में किसी को ओए तक नहीं करने देते, अगर कोई इस पे यहाँ पे ऊंची आवाज में बात, तो दूर की बात है, इनके जो नाजायज काम है उनके ऊपर कोई कहे कि भाई आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, तो उसको भी ये कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसी होगी हमें ये कहने की। और बिल्कुल यही ताकत जब इनके पास होती है, तो यहाँ देखे पिछले पीटीआई के सारी ये दुनिया जो है ये इबरत की जगह है हर एक के लिए, जो वो बीजेगा वो काटेगा, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो बाजवा साहब है, चाहे वो हमारे आसिम मुनीर साहब है, या चाहे जो कोई भी है, चाहे मैं हूँ। लेकिन गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, अब ये ना कहिएगा कि मैं पीटीआई सपोर्टर होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आपको ज्यादा खुशी हो रही है। देखिए, मुझे खुशी इस बात इसलिए हो रही है, झलक तो रहा है, ये वो उस मुल्क में गए हैं जिस मुल्क का ये पिछले दिनों जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ था पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे मार दिए गए थे उस मुल्क का जो है ना सफीर निकालने के लिए, कि वहां पे गुस्ताखी हुई थी, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है उसने गुस्ताखी की थी, और फिर हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है उसी मुल्क में जाके जो है ना वो छुट्टियां था। तो इसलिए वहां के अंदर देखे यहाँ पे हमारे ये लड़ाया जाता है, देखे वहां पे गुस्ताखी हो गई तो हमारा यहाँ पे मुल्क जलना शुरू हो गया, और बहुत सारी चीजें होती रही और सारा कुछ होता रहा, और यार ये हमारे एक्स आर्मी चीफ वहां पे फ्रांस में है, और एक अफगानी ने वहां पे अच्छा किया, ऐसे आर्मी चीफ उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो भेजा, अब जो मौजूदा आर्मी चीफ है अगर वो भी इसी रवश पे चलते रहेंगे तो कल को उनके साथ भी होगा, क्योंकि जिसे चाहे वो इज्जत दे और जिसे चाहे वो जिल्लत दे सकता है, इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है,
और ये इज्जत अपने अमाल की वजह से कमाई जाती है। और अगर ये आज बेइज्जती हो रही है पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया हमारे ऊपर आज हंस रही है कि हमारे एक्स आर्मी चीफ को जो है ना वो सरेआम गालियां दी जा रही हैं, तो इसके ऊपर भी हमारे अपने ही अमाल हैं। अगर हमने कोई अच्छे अमाल किए होते तो आज लोगों को जो है ना वो बुरा भी महसूस हो रहा होता और इसके ऊपर जो है ना वो अपने नाराजगी का इजहार भी करते बजाय इसके कि वो आज खुशी का इजहार करें। देखिए, हम आम जो पाकिस्तानी है हमेशा से समझता है कि जो अफगानिस्तान में जो जहाद है वो हमेशा से जायज़ रहा है। यहाँ से भर भर के लोग जाते रहे, उस जहाद में शरीक होते रहे और यहाँ पे लोग बड़े खुश होते रहे कि मर गए जी, शहीद हो गए, हमने रशिया को तोड़ दिया, देखिए जी हमने अमेरिका को भी भगा दिया, देखिए जी हमने एक इस्लामी जो रियासत बना दी अफगानिस्तान को। लेकिन क्या वहाँ के जो लोग हैं वो कबूल करते हैं उन तालिबान को, उन दहशत गर्दों को वो कबूल करते हैं? कभी भी नहीं वो कबूल करते। चाहे जितनी मर्जी आप हमदर्दियाँ रखें, चाहे आप उसामा को हीरो बना दें, चाहे अलकायदा को एक इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन बता दें, चाहे दाइश के साथ आप जुड़ जाएं, लेकिन नहीं, लोग जो वहाँ के जो उनके ज़िंदगी में तकालीफ आई हैं उसके पीछे और वजूहात तलाश करते हैं और उसके पीछे वजह कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ये आर्मी के लोग भी हैं, तो ये उनका गुस्सा उनका निकालना ये उसी की ही वजह है। हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, कोई छोटी और मामूली बात नहीं है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वहाँ पे उठ के उसके एक थप्पड़ ही रसीद कर देते। यहाँ यहाँ तो आप लोगों की सांसें तक छीन लेते हैं तो आपको पता नहीं चलता। लेकिन देखिए ये भी एक इबरत का ही अलामिया है पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के जितने भी ताकतवर हलके हैं जो ताकत के नशे में चूर हैं और जो आम लोगों को अपने पांवों में रोनते रहते हैं, तो उनके लिए ये एक इबरत की निशानी है। अब क्या करेंगे इस पैसे का, क्या करेंगे? जो आपकी जो रही सही, कहीं आप मुंह दिखाने के काबिल हैं, कहीं आप किसी पार्टी में, कहीं किसी चीज पे, कहीं जाके अपनी नुमाइंदगी करने के काबल हैं? बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा एक ये हम ही समझते हैं कि वो इस काबल, आपको नींद कैसे आई होगी रात को? अफगानी ने इतनी गालियां दी आपको और वो भी आपकी बीवी के सामने, और वो कह रहा था कि मेरा बस नहीं चलता, यहाँ पुलिस खड़ी है, नहीं तो मैं तुम्हें शुरू हो जाऊँ यहाँ पे और पूरी दुनिया को तुम्हारी बीवी के ऊपर छोड़ दूँ। ऐसी बातें तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। आपने ये कैसे बर्दाश्त कर ली? चुपचाप बैठे हुए और हंसते रहे और मुस्कुराते रहे और क्या? चले जी, बहुत ही अफसोस का मकाम है हमारे पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे ही ये जो दौर चल रहा है ये बहुत ही बुरा है। आए दिन कोई ना कोई बुरी खबर और बुरी न्यूज और शर्मिंदगी हर साइड से, लेकिन क्या करें, जीना तो फिर जीना है, सांसें जो है वो तो लेनी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।